दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फैक्ट्री में वैक्स क्रेयॉन्स कैसे बनाए जाते हैं। हर एक बच्चा बचपन में अपने ड्राइंग की शुरुआत इन्हीं कलर से करता है। बेशक आपने भी इन कलर से ड्राइंग जरूर की होगी, पर क्या आप जानते हैं कि इन सुंदर और मजेदार कलर्स को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों क्रेयॉन बनाने का सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है पैराफिन वैक्स, जो हमें पेट्रोलियम निकालने के दौरान प्राप्त होता है। अब इस वैक्स को सबसे पहले 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट किया जाता है। मेल्ट होने के बाद अब वैक्स में लैक्सेस पाउडर मिलाया जाता है, जिससे कि वैक्स को मजबूती मिलती है। साथ ही साथ इसे मिक्स भी किया जाता है। अब इसमें फैटी एसिड और सिंथेटिक केमिकल्स को भी ऐड कर देते हैं। और ये सब इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अब वैक्स में दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऐड किया जाता है, जो कि है कलर पिगमेंट, क्योंकि इसी से हमें रंग बिरंगे कलर्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ देर इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद बारी आती है कलर्स को शेप देने की, जिसके लिए सारे कलर लिक्विड को मशीन की हेल्प से मोल्ड में इंजेक्ट कर दिया जाता है और इन मोल्ड को ठंडे पानी में रखा जाता है, जिससे कि कलर बहुत तेजी के साथ ठंडा होकर सॉलिड हो जाता है। अब इस बचे हुए कलर को भी एक्सट्रैक्टर मशीन की हेल्प से निकाल लिया जाता है, ताकि उसे भी फिर से यूज में लाया जा सके। दोस्तों ये फैक्ट्री लगभग हर घंटे 30,000 से भी ज्यादा क्रेयॉन्स कलर को बनाकर तैयार कर देती है। इतना काम होने के बाद मशीन से सभी कलर्स को निकाल लिया जाता है, क्योंकि अब इन पर लेबलिंग का काम शुरू किया जाएगा। और ये मशीन ग्लू की मदद से कुछ इस तरह सभी कलर्स पर स्टिकर्स को लगाती चलती है। कलर्स तैयार होने के बाद अब इनके पैकेजिंग का काम शुरू किया जाएगा, जहां अलग अलग होपर्स में सभी कलर्स को रखा जाता है, जिससे हर एक पैकेट के लिए सभी कलर को बारी बारी डाल लिया जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह फैक्ट्री में वैक्स कलर्स को तैयार किया जाता है। ऐसी और मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हम मिलते हैं परसों एक और शानदार वीडियो के साथ।